अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। आप अगर अभी तक न्यू है मेरे चैनल पर, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए जो है कि इंतज़ार कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा लास्ट रोज़ा है और कल इंशाल्लाह जो है कि ईद है, आज 30 रोज़े पूरे हो जाएंगे। तो ईद गुजारने के लिए जो है कि हम अपनी जगह से जा रहे हैं अपने कज़न के पास, भाई मोहम्मद इकबाल के पास, और फिर रास्ते का जो सीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए और बने रहिए और फिर स्टार्ट करते हैं। सामान वगैरह हो गया रेडी, ये एक बैग है और ये एक शॉपर है। शॉपर के अंदर जो है कि ईद की जो चीज़ें वगैरह हैं वो डाली हुई हैं, कोई कपड़े वगैरह, कोई वेस्ट कोट वगैरह, और जो बैग है बैग के अंदर भी जो कुछ ज़रूरी सामान है, लैपटॉप और मोबाइल के चार्जर वगैरह। और अब गाड़ी भी आ चुकी है, मेरा एक दोस्त है चाइनीज़, उसकी गाड़ी है और इस पर जो है कि अभी हमने जाना है। जनाब हम आके बस में बैठ गए हैं, वो जो भाई साहब ने हमें छोड़ना था दुबई, वो थोड़ा सा जो है कि कह रहे हैं कि मुझे पहले मुझे भी जाना है, मुझे भी से वापस आके दुबई जाना है, और तब तक जनाब अफ्तारी हो चुकी होगी और हम जनाब आज इनवाइटेड हैं अफ्तारी पे। और तरावियाँ तो वैसे आज है नहीं, तरावी की नमाज आज नहीं है, रमज़ान तकरीबन हमें लगा होने वाला है, कल ईद है, ईद की खुशी में जनाब हम बस में बैठे हैं और बस से अभी हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में हम जाएंगे फिर अगेन बस स्टेशन, और फिर बस स्टेशन से जब हम जाएंगे कज़न के पास। तो ये भाई सही से अभी तशरीफ लाया है जी, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं, भाई सब थोड़ा आगे आ जाएंगे कैमरे में, हेलो आए कर दें आप नज़र आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये जी भाई साहब को ना उधर किसी भाई ने बोला था कम टू हबीबी भी दुबई, वो क्या वीडियो है जनाब, इन्होंने कहा टिकटॉक पर देख लिया है हबीबी कम टू दुबई, और फिर आप भाई साहब जो है ना अभी दुबई आ गया, आके तो अभी जनाब ईद वगैरह तो फैमिली से दूर है। आप कैसे फील कर रहे हैं भाई साहब, आज आपकी ईद है, फैमिली से दूर है, कैसे फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा मतलब आपको मिस ही नहीं कर रहे फैमिली को? ठीक है ठीक है माशाल्लाह, अभी बस जो है कि तकरीबन चलने के लिए रेडी हो चुकी है और भाई साहब फैमिली को मिस कर रहे हैं, और मेरी तो फैमिली है नहीं, सिर्फ नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, शादीशुदा बताओ तो असल फैमिली तब बनती है। तो चले जी दिखाते हैं आपको बस का व्यू, दिखाते हैं आपको जनाब, ये देखें जी बस का व्यू, ये स्टेशन लिखे हुए हैं जनाब जी, वाह माशाल्लाह, ओहो उधर भी चाइनीज, इधर भी चाइनीज, बैठ गए सारे, लेकिन हम लोग बैठ गए हैं सारे, ये माशाल्लाह हम सबसे पीछे बैठे हैं। और हमने ये सोचा था कि हम जो है ना विंडो से कवरेज देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी सी इन्होंने लेमिनेशन सी की हुई है, अभी बाहर जो है कि बहुत मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आज बारिश इंशाल्लाह होगी। और भाई जी बस से हम उतर गए अभी, और अभी आगे जो है कि टैक्सी वगैरह देखते हैं, यहाँ से नज़दीक अगर हम सिर्फ बस पे लास्ट स्टेशन पे जाते तकरीबन हम अफ्तारी से ठीक एक घंटे के बाद जो है कि अपनी लोकेशन पर पहुँचते, उससे बेहतर है कि हम टैक्सी पर चले जाएँ। और अभी देखते हैं टैक्सी, और ये देखें जी मौसम बहुत प्यारा है आज, माशाल्लाह बादल ही बादल है, ये जनाब जबरदस्त किस्म का रोड, जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स, अरे वाह 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 वाह, ये देखें जी आगे कहीं पे काम हो रहा है, ये जो जो लोग दुबई में रहते हैं वो पहचान सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। है भाई सब ट्रक वाले जल्दी चले जाओ, ये देखें जी यहाँ पर जनाब मस्जिद आ गई है, पहले पढ़ते हैं जनाब असर की नमाज और फिर जाके ढूंढते हैं कोई टैक्सी वगैरह, नमाज बहुत ज़रूरी है अगर आप सफ़र में हैं तो, लेकिन हमारा तो सफ़र नहीं है, पूरी नमाज है, माशाल्लाह मस्जिद आ गई है, फिर नमाज पढ़ते हैं पहले इंशाल्लाह। नमाज के बाद जो है कि हमें टैक्सी मिल गई, टैक्सी जनाब ये पे खड़ी है,
और भाई साहब भी रेडी हैं, भाई साहब पीछे हैं और ये भाई साहब भी आ गए हैं और हम अभी चलते हैं जनाब जब दिल्ली की तरफ। रास्ते में आपसे बातें करेंगे अच्छी अच्छी मज़े मज़े वाली। टैक्सी में जनाब हम बैठ गए हैं अभी जब दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। भाई साहब हैं पाकिस्तान से, क्या नाम है भाई का? रिजवान सईद भट्ट, बहुत बड़ा नाम है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? सियालकोट से हैं जी। कितना अर्सा हो गया आपको दुबई में? 16 साल हो गए इनको, मतलब जब हम छोटे छोटे बच्चे थे हिसाब से जो है कि दुबई में आ रहे हैं। आप स्टार्ट से टैक्सी चला रहे हैं? अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं आप मंथली? अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है। और वो कुछ मेरे व्यूअर जो है ना वो इंटरेस्टेड है दुबई आके टैक्सी चलाने में, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जो भी आए अभी तो वीजे बंद है बैठना। वीजा बंद है, आप लोग पाकिस्तान में बैठो, आने की जरूरत ही नहीं। Enjoy yourself at home and don't need to come Dubai. If you will come to Dubai, then there is no more visa for you. ये जनाब टैक्सी से हम उतर गए हैं अभी और ये देखें ये एरिया, ये जानी पहचानी जगह आपकी। अगर आप लोग जानते हैं तो ये जगह आपकी जानी पहचानी है। जबल अली पहुंच चुके हैं और टैक्सी वाले भाई साहब चले गए हैं और हम अफ्तारी से पहले पहुंच चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम टैक्सी पर आए हैं। और यकीन करें हमने सिर्फ 25 मिनट टैक्सी पे सफ़र किया और टैक्सी वाले ने तकरीबन 92 दिरहम ले लिया हमसे। 92 दिरहम ये तकरीबन पाकिस्तानी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 6,500 से ज़्यादा जाके पैसे बनते हैं। और इतने पैसे जनाब हमने थोड़े से टाइम स्पेंड कर दिए, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी महंगी टैक्सी है यहाँ पे। ये देखें बस आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बिजी रोड है यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं कि कार्ड के बगैर भी आप दुबई में सफ़र कर सकते हैं, मतलब आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है तो आप उसके बगैर भी सफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास नहीं था तो हमने कार्ड के बगैर सफ़र किया, तो उसके लिए जनाब आप टैक्सी पे सफ़र कर सकते हैं। टैक्सी वाला जनाब अलहदा से आपसे पैसे लेगा, अलहदा से कैश आप पे कर दे, उधर जो है कि मेट्रो कार्ड की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि आपके पास पैसे हैं। लेकिन जो है कि एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो मेट्रो वाला कार्ड होता है ना वो आप टैक्सी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टैक्सी में जो कार्ड स्वाइप करना होता है वो उधर अगर वो मेट्रो वाला कार्ड भी आप स्वाइप कर दें, और उसमें शर्त यह है कि पैसे होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अगर वो रिचार्ज हुआ है तो आप वो भी स्वाइप करके जो है कि वहाँ से पैसे पे कर सकते हैं। ये जनाब अब्दुल मालिक साहब, हेलो हाय करें ना आप। मुइन अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? ऐसे बोलने तो पे हो ना, पहले पहले मेरे व्यूअर्स हैं ये बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे मुझे आज पता चला आपका नाम मुन्नी है। तू तो समझ चैनल ना कोई नहीं पता कुछ पता है जी अल्लाह। ओ अल्लाह मुन्नी 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 वो बाद सर्च की तमा पता लगा मुन्नी और तुसी हो। चलो जी, और क्या करता है? ठीक ठाक हो? रोजे कैसे गुजरे ने? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब नमाज वगैरह पढ़ रहे हो? बस आज नमाज पढ़नी, थोड़ा लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मुनी साहब आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं? आप लोग शादीशुदा हो, आपके घर से इस्त्री हो के आ जाते हैं, आप लोग खुद करना है यहाँ पे, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये अभी जो है इस्त्री करके अभी टाइम तो काफी पड़ा है। नहीं ईद के लिए तो अभी और सूट है, वो कल दिखाएंगे आपको, ये तो अभी नॉर्मल यूज के लिए ना। अच्छा, ये तो सिर्फ इधर हेयर एंड देयर के लिए। अभी ईद के लिए तो कल पहनेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैंने कहा चलो अभी टाइम है, थोड़ा सा इस्त्री कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग दे रहे हैं मैं फ्रेश हो गया, मैंने कपड़े पहन लिए आप लोग रोजाने, शर्ट अच्छी लगती है या शलवार कमीज? तो आज पहली दफ़ा मतलब ये वीडियो शो हो रहा है कि मैं आपके सामने कपड़े पहन के पहली दफ़ा आज इस ब्लॉग में, और इंशाल्लाह कल ईद और कपड़े, और ये जनाब हमारी अफ्तारी तैयार हो गई, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। ये जनाब पाकिस्तान वालों मुँह में पानी आ रहा होगा, तरबूज, और उसके अंदर जनाब गर्मा भी है।
असल में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में तरबूज और किन्नू दोनों चीज़ें नहीं हैं ना भाई जी, यहाँ पे दोनों दोनों चीज़ें के मज़े ले रहे हैं। रमज़ान शरीफ का मज़ा तो दुबई में है, आप भी आ जाइए, बल्कि रहने दीजिए, आपकी तो कल ईद है। कबूल फरमा, मेरे मौला पूरा महीना तेरे हुक्म की इताअत के मुताबिक रोजे रखे, इसके दौरान हमसे कोई कोताही गलती हो तो मेरे मौला माफ़ फरमा कर, हमारे रोजे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, जो कुछ भी टूटी फूटी इबादत, कुछ जो कुछ पड़ा, जो कुछ कर सके, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इस मुकद्दस महीने के सदके अलविदाई दिन गुजर के, या अल्लाह हम सब के सगीरों कबीरों गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम सब की बख्शिश मगफरत फरमा। या अल्लाह, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नौरी ना औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो रास्ते से भटके उन्हें एज नसरत अल-मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, मोहताजों की जरूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह, गुरबा की मदद फरमा, बेसहारा का आसरा नसीब फरमा। या अल्लाह, इस मुकद्दस महीने के सदके, या अल्लाह, जितने बीमार हैं सबको शिफा कामिला शिफा जना नसीब फरमा। या अल्लाह, या मेरे मौला, हज़रत आदम से लेकर आज तक इन मुसलमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से रोशन फरमा, उनकी कब्रों को वसी कुशादा फरमा। या अल्लाह, उनको कब्र के अजाब से महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमा, मरते वक्त जबान पर कलमा शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह, या मेरे मौला, हमको कब्र की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, अपने घर अपने वतन की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह, या मेरे मौला, जुल्म की जो चक्की में पिस रहे हैं हमारे गजा के बहन भाई, या अल्लाह, उनके ऊपर खसूसी करम फरमा। या अल्लाह, उनकी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह, उनसे कोई गुनाह को सरजद हो गए तो मेरे मौला, हम माफी मांगते हैं, तुम माफ़ फरमा। और या अल्लाह, उनको आज़ाद फरमा। या अल्लाह, जितने भी शहदा हैं, या अल्लाह, उनको आला रुतबे भी आला रुतबे शहादत के आला रुतबे पे फैज फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बुल रहमान। बोटियाँ वगैरह, मटन बिरयानी आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग आपको खा के बताते हैं कैसी चटनी, पकौड़े। भाई साहब, पकौड़े दिखाएं ज़रा, आप जो पकौड़े बनाए हैं माशाल्लाह, आज तो दाढ़ी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है आपकी। ये पकौड़े हैं जी, ये चाचू अहमद बैठे हैं सर, रास्ते में खड़े। आप इनको सलाम तो करो ना, ये लोग आपको देखते हैं। बोलते हैं चाचा रदीन का इंटरव्यू करो। चाचा रदीन का इंटरव्यू सलाम करने का बार पड़े। ये था जनाब आज का लास्ट रोज़ा, आखिरी रमज़ान की अफ्तारी और ईद उल फितर मनाने के लिए हमारा अपने कज़न के पास आना, और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की इबादत और आपके जितने भी आपने अपने लिए या अपने वालदैन के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए या रिश्तेदारों के लिए जितने आमाल किए हैं और दुआएं की हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में उनको कबूल मंजूर फरमाए, और आपकी दुआएं के सदके जो है कि हमें भी अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। तो आज का व्लॉग जो है इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह जो है कि कल ईद डे का व्लॉग होगा, और वो कल का व्लॉग कल आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।